सुनो जी सर, इसमें से मिहिर का टिफिन कौन सा है? ये रहे सर, आज दो आए हैं। दो आए? अच्छा तुम ये दोनों मेरे कैबिन में भिजवा दो। जी सर। अरे वो मिहिर को बुलाओ यार। टिफिन के अंदर चिट्ठी? दो टिफिन ही भिजवाए हैं, बन गया था इसलिए भिजवाए हैं। मैं खाना वेस्ट नहीं करती, कल से ध्यान रखूंगी। आज जो करना है करो। बॉस को खिलाना है तो बॉस को खिलाओ, वरना पीएन को खिला दो। मिहिर सर, आपके टिफिन बॉस के केबिन में रखे हैं और बॉस आपको खाना खाने के लिए बुला रहे हैं। सर मैं आए? आओ मेरे। बैठ। तुम्हारे घर से लव लेटर आया है। सर आप तो जानते ही है ना कि बीवियां कैसी होती है। सर आज जब मैं घर से निकला ना तो धरा के साथ छोटी सी नोकझोंक हो गई थी सर, टिफिन को लेकर। हाँ सर मैंने अक्सर नोटिस किया ऑफिस में जब लंच टाइम होता है ना सर, आप बहुत ही लाइट खाना खाते हैं सर, सैलेड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, एकदम हेल्दी खाना सर। तो सर आज मैंने धरा से कहा कि आज तुम भी लंच में हेल्दी खाना भेज देना, तो कहने लगी नहीं, थाली हमेशा पूरी होनी चाहिए, रोटी, सब्जी, चावल, दाल, अचार, पापड़ वगैरह। सर मैंने कहा बॉस को भी हेल्दी खाना पसंद है तो तुम भेज देना, तो बॉस भी खा लेंगे। तो कहने लगी नहीं, देखिए आपके बॉस के लिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन खाना खाना तो आपकी पसंद का ही बनेगा और घर का खाना भी हेल्दी होता है। सर मैं क्या करता सर? सर आप तो जानते हैं ना सर कि बेचारी धरा बहुत भोली है सर वो। अरे यार तुम आज मेरे हाथ से पाप करवा देते हैं। अरे कौन सा पति अपनी बीवी से ऐसे बातें करता है, और कौन सी बीवी अपने पति को छोड़कर उसके बॉस के लिए खाना बनाएगी? और धरा तो वैसे भी इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है, जो भी भेजेगी अच्छा ही भेजेगी ना। आपका बड़प्पन है सर, अदरवाइज सर ये चिट्ठी, आई वाज सो एम्बैरेस्ड सर, आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा है तो सर, रियली। कम ऑन मिहिर, इतनी छोटी सी बात का बुरा मानूंगा मैं क्या? हाँ ये अच्छा हुआ कि ये चिट्ठी मेरे हाथ लग गई, वरना तुम वाकई में ये पीएन को खाना खिला देते। अरे नहीं नहीं सर, ये मैं कम ऑन, खाना ठंडा हो रहा है। यस सर। आज तुमने दो टिफिन भेजे? हाँ। और चिट्ठी भी? हाँ। वेरी गुड। तुम जानती हो वो चिट्ठी बॉस के हाथ में लग गई और मुझसे पहले बॉस ने वो चिट्ठी पढ़ ली। अरे आइए सर, आइए। प्लीज कम इन सर, प्लीज कम इन। आइए सर, बैठिए। मैं पानी लेके आ रही हूँ। अरे नहीं नहीं प्लीज प्लीज, कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं। मैं तो आने भी नहीं वाला था, ये आपके पतिदेव मुझे यहाँ खींच लाए। अरे सर आपका घर सेट हो रहा है तो एक हफ्ते तक यहीं आया कीजिए ना। और सर वैसे भी ऑफिस से जब आदमी घर पे जाता हो ना तो उसे अपना घर घर जैसा लगना चाहिए। जब आपका घर तैयार हो जाएगा तब इंसिस्ट नहीं करूंगा। थैंक यू। बताइए सर क्या लेंगे आप, चाय, कॉफी? अरे सबसे पहले तो मुझे गुस्ताखी से बचाइए प्लीज। हाँ मैं आंखें बंद कर रहा हूँ। क्या क्या सर क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई आप लोगों की नई नई शादी हुई, ऑफिस से लौटने के बाद एक रूटीन होता है, एक हग, एक स्वीट सी किस। मैं 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर रहा हूँ और जब आपका रूटीन पूरा हो जाए तो मुझे बता दीजिए। सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मैं चाय लेके आती हूँ। यार मिहिर ऐसा मत किया करो यार, तेरी बीवी मन ही मन मुझे गालियाँ दे रही होगी। सर आप भी ना कुछ भी, सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अच्छा उसे चाय के लिए मना करो प्लीज प्लीज। दरा चाय कॉफी सब कैंसिल, सीधा डिनर की तैयारी करो। अरे क्या कह रहे हो यार मिहिर, ऐसे सर मैं आप फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं सर? कुछ सादा ही खाना बना होगा, साथ में मिलके खा लेंगे। और सर वैसे भी मैंने कहा ना, एक बार आपका घर का रसोई वसोई का सब सेट हो जाए तब तक की बात है। अच्छा वो बाइक के लिए जो बोला था तुमने बात कर ली? हाँ वो मैंने बोल के रखा है 4-5 लोगों को, हो जाएगा जल्दी। सर तब तक आप यहीं पे आ जाइए खाना खाने के लिए, अच्छा लगेगा हमें। काठियावाड़ से हो तो खाना खिलाने में मज़ा आता है, स्पेशली जब मेहमान घर आए तो। ऐसा कोई गाना भी है ना आप लोगों का? हाँ, काठियावाड़ माँ कोक दी भूलो पड़जे भगवान, थजे थजे मारो मेहमान तने बुलाओ शामला, राइट? सर इसका मतलब ये होता है कि हम काठियावाड़ के लोग इतने बेहतरीन होस्ट होते हैं कि अगर भगवान भी हमारे मेहमान बन जाए ना तो हम उन्हें उनका स्वर्ग बुला देते हैं। वाह वाह, अब आप दोनों ने दोहे मार मार कर मुझे इतना इंप्रेस कर ही दिया है तो मैं मना तो नहीं कर सकता। बताइए क्या खिलाएंगे? वैसे तो खिचड़ी बन रही है। अरे भाई इतना बड़ा बिल्डअप देने के बाद खिचड़ी? सर खिचड़ी खिचड़ी में भी फर्क होता है, आपने मेरी हाथ की खिचड़ी नहीं खाई अभी तक। ओके चलिए खिलाइए। आप दोनों बैठिए मैं आती हूँ। आइए ना सर। आई शपथ मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। फिर एक्साइटमेंट में मुंह से आयशा पद निकले जा रहा है। धरा तुमने सही कहा था कि खिचड़ी खिचड़ी में बहुत फर्क होता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मैं क्या कहकर बुलाऊं? भाभी? भाभी थोड़ा भारी हो जाएगा ना, छोटी सी है ये, इनको भाभी बोलूंगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। नाम से ही बुलाइए धरा, है ना, वो ठीक रहेगा। धरा, हाँ धरा, आई शपथ, आई स्वेयर ऑन गॉड, भगवान की कसम, मैंने जिंदगी में आज तक ऐसी खिचड़ी नहीं खाई। सर आपने धरा की खिचड़ी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। अरे सर जानते हैं हमारे नागर लोग इसे सुख पावनी कहते हैं। नहीं वो तो अच्छा। सुखड़ी को कहते हैं। अरे यार वो जो भी जिसे भी कहते हो, एक बात तो तय है कि हमने खिचड़ी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया, तुम्हारी बीवी को अंडर एस्टिमेट किया है। अच्छा दरा ये अचार क्या था? वो हमारे यहाँ का खट्टा अचार होता है, मम्मी ने बनाया। आह माँ तुझे सलाम, वाह वाह वाह। अरे सर वो निशान इंडस्ट्रीज की फाइल पड़ी है आपने? अरे यार फिर ऑफिस को घर मत लाया करो, फ्राइडे का काम है, कल बात करेंगे उसके बारे में। सर फ्राइडे कल ही है। आज थर्सडे है? हाँ सर आज थर्सडे है। हाँ आज गुरुवार है। अरे लॉर्ड्स में आज क्रिकेट मैच शुरू हो चुका है। धरा क्या कर रही हैं आप? क्रिकेटर होते हुए आपने मुझे धोखा दे दिया। नहीं मुझे पता नहीं था। अरे कैसी क्रिकेटर हो धरा, कैसे नहीं पता? चालू करो यार, चालू करो जल्दी, मैच लगाओ मैच लगाओ। हाँ हाँ हाँ, अरे कहाँ है रिमोट? टीवी चालू करो, टेबल पे है। अच्छा 203 नंबर का चैनल। किस लिए? अरे बाबा इतनी अच्छी खिचड़ी जो बनाई उसके लिए। खिचड़ी तो हमेशा जैसी बनी थी। हाँ लेकिन इस बार ये खिचड़ी में फर्क था ना। हर बार खिचड़ी सिर्फ मुझे पसंद आती है लेकिन आज की खिचड़ी बॉस को भी पसंद आई। यार सब कुछ सही चल रहा है धरा। आई जस्ट होप कि वी गेट व्हाट वी डिजर्व। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ, बोलो। मैंने क्रिकेट छोड़ दिया, 2 दिन से प्रैक्टिस पे नहीं गई। मुझे लगा आप कुछ तो पूछोगे लेकिन आपने कुछ नहीं पूछा। मुझे पता था कि ये बात फिर से शुरू हो जाएगी। हमने तय किया था ना कि इस टॉपिक पे दोबारा से बात नहीं करेंगे। तुम्हें क्रिकेट खेलना था, तुमने खेला। तुम्हें क्रिकेट छोड़ना था, तुमने छोड़ दिया। फैसला तुम्हारा था धरा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आज तक तुम पर कभी कोई डिसीजन नहीं थोपे। तुम्हें फिर से शुरू करना है क्रिकेट खेलना, कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धरा, मुझे उन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल मत ठहराओ जिस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ही नहीं। आई डोंट फील गिल्टी अबाउट द क्राइम दैट आई हैव नॉट कमिटेड। नहीं, आप बात तो सपनों की हुई थी। आपने मुझसे कहा था कि आपके सपने ज्यादा जरूरी है। घर में ग्रोसरी आती है, लाइट बिल, फोन का बिल, मेंटेनेंस का बिल, गाड़ी का फ्यूल, ये सब कुछ कहाँ से आता है? मेरी सपनों की वजह से आता है ना, तो मेरे सपने तो ज्यादा जरूरी हुए। एक और बात, तुम्हारे ग्राउंड पे आने जाने का खर्चा, तुम्हारी किट का खर्चा, तुम्हारी बैट का खर्चा, ये सब खर्चे भी मेरे सपनों को उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें अगर कल से क्रिकेट खेलना शुरू करना है तो शुरू कर दो। नहीं करूंगी, घर का काम करूंगी, आपके बॉस के लिए खाना बनाऊंगी। बेहतर है कि हम दोनों वही सपना पूरा करें जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।